99.9 FM, मेरा नाम है निमेश। मैं आप सभी के लिए अभी भी बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ जीडी बिल्ला सभा घर से, जहाँ पर ओटीपी एंड सेंटर स्टेज क्रिएशन लेकर आए हैं बहुत ही शानदार सी एक प्ले। बातें हो रही थी गॉड ऑफ कार्नेज की, और हमारे साथ इस वक्त है एक्टर सौरभ, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। सौरभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू योर 99.9 FM। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट अवेटेड प्ले से कहा जा रहा है, और थोड़ी देर में इस प्ले को हम एंजॉय करने वाले हैं। हाउ यू फीलिंग सर इस प्ले के बारे में, अगर आपको कुछ कहना हो? फीलिंग वेरी एक्साइटेड बिकॉज कमिंग टू कलकत्ता इज अ वंडरफुल थिंग। सॉरी, कोलकाता। ऑडियंस हियर इज ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एंथुसियास्टिक, सो एंड दे आर आर्टिस्टिक पीपल बाय नेचर, सो इट्स लवली टू बी हियर। कुछ कहना चाहेंगे नादिर खान के इस प्ले के बारे में? It's a very difficult play because it has to seem effortless on stage, but the work we have put into it to score it, because parts are very fast, parts go a little slow, and it's like a musical composition. There are high notes and low notes, and if we don't get it right, all the music falls apart. थिएटर की इस वक्त क्या क्या पहचान है, और थिएटर की फ्यूचर क्या है इंडिया में? व्हाट डू यू? आई होप थिएटर इज गोइंग टू गो इवन फर्दर देन इट हैज सो फार। We are getting now a multicultural audience. We are getting an audience that wants to hear its own voice. So a lot of plays now are about Bombay and about, not Bombay necessarily, but about India and about our own ethos. This play, however, is an international play. It could belong to any country and it could belong to any people. जो लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? Please come and enjoy the show and hopefully support theater for the rest of your life. Thank you so much for all the best, and you are the best, sir. Thank you so much. Thank you. Well, मैं निमेश बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए इस बार जीडी बिल्ला सभागर से, जहाँ पे थोड़ी देर में शुरू होने वाला दी गॉड ऑफ कार्नेज, जिसे लेकर आए हैं सेंटर स्टेज क्रिएशन एंड ओटीपी। दैट्स ऑल फॉर मी, बैक टू स्टूडियो।